तो दोस्तों हमारे पीछे हिंट टॉकी से देखिए वहाँ पे ये इसका इंटीरियर है अंदर का। लाइटें अच्छी लग रही है। हाँ लाइटें बढ़िया लग रही है। लाइटें अच्छी लग रही है ना तुम लोग। हाँ लाइटें बहुत अच्छी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि हिंद सिनेमा है बरेली में, वो दिखाओ, वो खुल चुका है दोबारा, तो अभी हम वहीं चलते हैं, आपको दिखाएंगे, है ना कार्तिक? हाँ, चलो देखते हैं कैसा बना है अंदर से। नया वो हुआ है, रेनोवेट हुआ है। हाँ रेनोवेट हुआ है, उसके सारे अंदर से दिखाएंगे क्या क्या उसमें सुविधाएं हैं। हाँ। और चीजें टिकट विकट कितने का है। हाँ। और सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है सब आपको दिखाएंगे। हाँ सब कुछ नया हो गया होगा। चले कार्तिक, चले चलो चलो दोस्तों, फिर वहीं मिलते हैं आपसे। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हिंद सिनेमा, और ये हमारे पीछे है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या रेनोवेशन हुआ है और कौन सी पिक्चर लगी है ना कार्तिक? चलो दिखाता हूँ मैं आपको अभी बैक कैमरे से। चलो अंदर से क्या अंदर से चल के देखेंगे दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट और भैया से बात भी करेंगे क्या क्या इनोवेशन हुआ है। हाँ। और कौन सी मूवी लगी है ये पीछे देख सकते हो आप। हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से और सब चीज बताएंगे जो यहाँ पे ऑफिस में बैठे हैं भैया। हॉल आपको घुमाएंगे आज इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहना दोस्तों। और वीडियो क्या कर देना। तो दोस्तों हमारे पीछे हिंट टॉकीज है, देखिए वहाँ पे। हाँ देखो दोस्तों ये है हिंट टॉकीज। इसमें दोस्तों पिक्चर लगी है अजय देवगन की जान, अभी तो फिलहाल पुरानी मूवी लगी है। हाँ। अभी इसमें नई मूवी आएगी तो इसकी जो है अंदर की बहुत बढ़िया लगेगी, अंदर की भीड़। हाँ दोस्तों और जान पिक्चर लगी है अजय देवगन की, हमारा फेवरेट हीरो, इस चक्कर में और आए हैं ना कार्तिक? कार्तिक कार्तिक का भी फेवरेट हीरो है अजय देवगन। तो देखो कुछ इस तरीके से बना हुआ है बाहर से और पोस्टर लगा है, ठीक है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं। चलो 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 जाओ भाई, जाओ कहीं नहीं जाना, जाओ ना। और इधर यहाँ पे ये काके की स्वीट्स, मूंग की दाल की पकौड़ी भी मिल जाएंगी यहाँ पे, फ्रेश फ्रेश पकौड़ियाँ मिल जाएंगी। हाँ यहाँ से पकौड़ी और पालक के कबाब भी मिल जाते हैं। चलो अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हम अंदर आ गए, और देखिए टिकट विंडो है। हाँ डायमंड क्लास का 100 रुपए है, डायमंड क्लास का। हाँ 100 रुपए है। और बाकी मैं अंदर बाकी ये पोस्टर लगे हुए हैं, और देखो ये शो लिखे हैं, रोजाना 4 शो होते हैं, है ना, एसी एंड डॉल्वी डिजिटल साउंड के साथ। चलो अब चलते हैं अंदर, बाकी पूछते हैं उनसे जो भैया है ना। अभी ये देखिए लिखा हुआ है क्या, एक नए रन ग्रुप के साथ 3 टिकट लेने पर 1 टिकट फ्री। अरे आप सीमित समय के लिए टिकट दर डायमंड 100 रुपए और गोल्ड 50 रुपए। दोस्तों देखो ये नई चीज आई है, एक नए रंग रूप के साथ 3 टिकट लेने पर 1 टिकट फ्री तो यहाँ पे। हाँ नुमाइश, हाँ नुमाइश भी चलेंगे। हाँ चलो अच्छा बना देखिए। हाँ ये देखिए दोस्तों यहाँ सब लाइट वाइटें लगी हुई है और कितना बढ़िया बना हुआ है, देखिए अंदर से ये देखिए। ये इसका इंटीरियर है अंदर का। हाँ लाइटें अच्छी लग रही है। हाँ लाइटें बढ़िया लग रही है। लाइटें अच्छी लग रही है ना तुम लोग। हाँ लाइटें बहुत अच्छी लग रही है, इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। इंटीरियर इसका हाँ बढ़िया हो गया है। और इधर ऊपर जाके है अपनी स्क्रीन लगी हुई। हाँ ये बालकोनी है ना, बालकोनी है। हाँ बालकोनी का है और नीचे वाला का से। अच्छा चलो देखते हैं तो कहाँ से भैया से बात कर लेते हैं। चलो पहले भैया से बात कर लेते हैं, पहले भैया से बात कर लेते हैं। हाँ। क्या क्या इनोवेशन हुआ है इसमें हॉल में। हाँ। और फिर और वो आपको दिखाएंगे, घुमाएंगे हॉल को। हाँ। सिनेमा स्क्रीन दिखाएंगे आपको क्वालिटी इसकी। हाँ स्क्रीन की क्वालिटी भी दिखाएंगे। हाँ। चलो फिर बात करते हैं भैया से, आओ। अच्छा ही बना है। हाँ बहुत बढ़िया बना है। जी भैया तो हमें बताइए कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें बताइए कि यहाँ पे क्या क्या रेनोवेशन हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने सारी सीटें चेंज कराई हैं। अच्छा डॉल्बी डिजिटल साउंड लगाया गया है। जी जी और प्लास्टिक का स्क्रीन लगा है। अच्छा और हाई क्वालिटी हम दे रहे हैं हर किसी के लिए। अच्छा हाई क्वालिटी साउंड है। हाई क्वालिटी
डॉल्बी डिजिटल जिसे बोलते हैं। अच्छा, स्क्रीन भी काफी मतलब अच्छी है, एचडी क्वालिटी में पिक्चर आपको। अच्छा, एचडी क्वालिटी में पिक्चर मिलेगी। अच्छा, एचडी हर कहीं यही चलती है, कहीं मॉल में देखेंगे आप। अच्छा, ये क्वालिटी में। अच्छा, मॉल की क्वालिटी है। हाँ, क्योंकि सारी नई फिल्में लगेंगी। अच्छा, पब्लिक को। नई फिल्में कब से लगेंगी भैया? नई फिल्में अब जैसे ही आएंगे, हो सकता है 2 तारीख को आ रही है। अच्छा, जरा हटके जरा बच के। अच्छा अच्छा, वो लगेगी। तो वो लगेगी। अच्छा अच्छा, और आदि पुरुष तो आएगी 16 तारीख को। अच्छा, आदि पुरुष लगेगी यहाँ पे? आदि पुरुष लगेगी। अच्छा, पूरा सारा एसी किया है हमने, पूरी फुल फैसिलिटी मिलेगी पब्लिक के लिए। अभी ये थोड़ा कैंटीन का काम होना बाकी रह गया। अच्छा अच्छा, अच्छी सुविधा मिलेगी कैंटीन में, हर चीज एकदम बढ़िया, खाने पीने का सामान एकदम बढ़िया। और नीचे भी सीटें चेंज की हैं। अच्छा, ऊपर का हमने डायमंड का क्लास रखा है, 122 सीटें हमारी। अच्छा, 122 सीटें। हाँ, और नीचे है 240 सीटें, वो गोल्ड क्लास है। गोल्ड क्लास, वो उसका 50 रुपए टिकट है वो। अभी तो ये पुरानी फिल्म पे है। अच्छा, अच्छा, पुरानी फिल्म अच्छा, आदि कोई मूवी नहीं। अच्छा, फिर अच्छा नया क्या होगा फिर उसका टिकट का? आदि पुरुष पे हमारा टिकट लगभग 150 रुपए की बात करनी होगी। अच्छा, डायमंड क्लास। अच्छा, और नीचे का क्लास 80 या 90 रुपए। अच्छा, पूरी ठंडक मिलेगी पब्लिक के लिए। तब भी सही है, हॉट टिकट होता है दोस्तों। हाँ, यहाँ पे आ सकते हो आप लोग, नई मूवी देखने को मिलेगी आपको। हाँ, एसी में बैठने को मिलेगा और टिकट दर भी कम है। हाँ, तो क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए। कोई भी इसे बुक माई शो पे खोल के देख सकता है। अच्छा, बुक माई शो पे भी आप इन सिनेमा डालेंगे तो बुक माई शो पे आएगा। अच्छा अच्छा, बुक माई शो पे आप टिकट बुक कर सकते हैं, कोई भी बुक कर सकता है। कुछ हम आगे ऑफर लाने वाले हैं पिक्चर में, आदि पुरुष आएगी उसमें हम कुछ ऑफर देंगे पब्लिक को। क्या ऑफर? बाद में क्लोज करें अभी तो नहीं, अभी हम पहले प्लान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कुछ ऑफर भी मिलेंगे? हाँ, ऑफर भी, जिससे आदमी को सस्ती फिल्म भी मिले, अच्छी क्वालिटी क्वालिटी। हाँ, हमारा मकसद यही है कि अच्छी क्वालिटी, और जो आदमी आएगा यहाँ देखेगा, अभी आपने शायद देखी होगी, क्वालिटी तो अच्छी ही है। चलो अभी हम अंदर चल के देखते हैं दोस्तों, स्क्रीन की क्वालिटी। हाँ, अंदर इंटीरियर चेक करते हैं दोस्तों, सीडी अरेंजमेंट देखते हैं। हाँ, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। चलो चलते हैं फिर अंदर देखते हैं। अंदर दिखवा दीजिए सर। चलिए, वो बंद बाद में, चलो अब अंदर देखते हैं स्क्रीन। ये देखो दोस्तों, ये देखिए लाइट खुलवाली है, और ये आपको सीटी अरेंजमेंट के लिए ही हमने 5 मिनट लाइट खुलवाई है। दोस्तों, ये बालकोनी का है सीटिंग अरेंजमेंट, और ये एसी वगैरह लगे हुए हैं। हाँ, एसी भी लगा हुआ है, पंखे भी लगे हुए हैं, पंखे भी लगे हुए हैं, एसी भी लगे हुए हैं। और नीचे का वो देखिए, ये नीचे का सीटिंग अरेंजमेंट है, और ये अपना बालकनी का है। ये बालकनी का अरेंजमेंट है, देखिए सब एसी उसी लगे हुए हैं, एसी और पंखे भी लगे हैं, और साउंड सिस्टम लगा हुआ है, और स्क्रीन लगी हुई है अपनी बहुत बड़ी। ये देखो दोस्तों, इसकी क्वालिटी देखो मूवी की, कितनी बढ़िया क्वालिटी आ रही है। अरे बड़ा कर रहा है बहुत बढ़िया क्वालिटी आ रही है दोस्तों, देखो लग रहा है कि हॉल में बैठे रहे। हाँ, नीचे भी एसी लगे हैं, देखो नीचे 6 एसी लगे नीचे। हाँ, 6 एसी लगे हुए दोस्तों, बहुत ठंडक होने वाली है यहाँ पे हॉल में। हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, सब चीज सही हो गई है, इंटीरियर भी अच्छा हो गया है, अब एसी में बैठ के इन टाकिज में देख सकते हैं, सब चीज बढ़िया हो गई है। इंटीरियर इसका अंदर से हॉल का, सब सीटें जो है सब चेंज हो गई है, सब नई लगी है सीटें। ये देखिए सीटों की क्वालिटी, सीट पे बैठ के देखो एक बार, बैठो सीट पे बैठ के, कैसे कंफर्टेबल है देखता हूँ, कैसी है, बढ़िया क्वालिटी है, पीछे हो रही है। अच्छा, हाँ दोस्तों देखो, ये पीछे भी हो जाती है सीट, यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप आके, एसी भी है, गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो यार। हाँ, तो ये पूरा सिस्टम है अंदर से हॉल का, हमने दिखा दिया आपको, है ना। हाँ, मूवी भी अच्छी लगी, हमारी फेवरेट मूवी है, हमारा फेवरेट हीरो है। चलो चलते हैं फिर लाइट अब हम लोग आपको बाहर का इंटीरियर और दिखाते हैं। चलो, हाँ बाहर से ले लेंगे, पता नहीं चलेगा ना कौन सा है। नीचे से देखो। हाँ, नीचे से देखो।
तो ये था दोस्तों अंदर का हॉल का सिटिंग अरेंजमेंट। अब हम चलते हैं बाहर, आपको बाहर दिखाते हैं। चलो अब नीचे का दिखाते हैं आपको। और अच्छा इधर दोस्तों लेडीज टॉयलेट है, कोई दिक्कत नहीं है, साफ सुथरा है। हाँ, और ये लिखा भी है। जेंट्स टॉयलेट मिलेगा आपको। अच्छा कैंटीन वगैरह किधर का प्लान है आपका? कैंटीन यहाँ पे है। अगर कैंटीन यहाँ पे ऊपर की, यहाँ पे नीचे की। अच्छा बालकोनी की यहाँ पे कैंटीन थी, यहाँ होगी कैंटीन। अच्छा बनेगी, बाकी नीचे कैंटीन भी बनेगी। अच्छा अच्छा नीचे नीचे से जाने का कहाँ से है रास्ता? नीचे उसमें हाँ ये कैंटीन बन रही है सामने। ये कैंटीन नीचे। अच्छा ये नीचे की कैंटीन है, ये नीचे की कैंटीन बन रही है दोस्तों। और यहाँ से है नीचे जाने का, हाँ स्टैंड है, हाँ पार्किंग है इधर। हाँ मोटरसाइकिल स्टैंड, ये मोटरसाइकिल स्टैंड है, इधर से आप अपनी मोटरसाइकिल लगा सकते हैं पीछे से आके। और ये यहाँ पे कैंटीन है, ये जो है पीछे जो है कौन सा हिंदागंज के पीछे वाली रोड है। हाँ हिंदागंज के पीछे वाली रोड है। हाँ वो जो मोटरसाइकिल मोटर पार्ट वाली जो हाँ जहाँ कार और ठीक होती है वो वहीं। और देखो यहाँ से है नीचे जाने का, नीचे से है ना। ये है यहाँ से जाते हैं। ये नीचे की एग्जिट एंट्री है, मतलब यहाँ बाहर आते हैं। अच्छा इधर से निकल जाते हैं। गोल्ड क्लास की सीट है, गोल्ड क्लास वाले जाते हैं यहाँ से। चलो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ये है लगा हुआ है प्रोजेक्टर, देख सकते हैं आप। हाँ देखो ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है और मूवी प्रोजेक्ट हो रही है सामने, वो देखिए स्क्रीन पे। ये इसमें जो है सर्वर है इसका। अच्छा ये सर्वर है, ये साउंड सिस्टम लगा हुआ है इस मूवी का। अच्छा बाकी ये रूम बना हुआ है, एसी रूम है दोस्तों ये, क्योंकि ये सर्वर को हाँ। जाता है ना प्रोजेक्टर, तो इसको ठंडा करने के लिए एसी भी लगाते हैं। ये सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से आपको मूवी देखने को मिलती है। छोटे से रूम में इतनी बड़ी स्क्रीन पे मूवी देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्टर बेस है, देखो प्रोजेक्टर लगा हुआ है इतना बड़ा। और यहाँ पे इसका ये सब डिवाइस रखा है और वो साउंड सिस्टम है। अच्छा इस पे ऑपरेट करने के लिए तो होता होगा एक बंदा रहता है। अच्छा दोस्तों हमने आपको दिखाया हिंटागी चंदर से और पूरा रेनोवेशन इसका दिखाया, क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं और नई पिक्चर भी इसमें लगने वाली है आदि पुरुष, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और डिस्काउंट भी मिलेगा नई फिल्म में आदि पुरुष में है ना। हाँ डिस्काउंट भी मिलेगा आपको और टिकट भी मॉल से कम होगा। हाँ तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, एसी भी लग गया है अंदर, पूरी फैसिलिटी मिल रही है अब हिंद टॉकीज में दोबारा से जब ओपन हुआ है। तो अभी आदि पुरुष लगेगी तो आप यहाँ पे आके देखना मूवी, डिस्काउंट भी मिलेगा और बढ़िया एसी उसी सब लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और जो चैनल पर नया आया है वो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही अगली वीडियो में। अगली वीडियो दोस्तों वहाँ की भी डालेंगे, नुमाइश की है। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।